हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई नुपुर चंद्रा योर इंग्लिश टीचर वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। एज इन दिस सीरीज आई एम एक्सप्लेनिंग यू द पोएम द इंचकेप रॉक। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू स्टेंजा 4 and 5 ऑफ दिस पोएम। हेलो डियर ऑल, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस। एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड्स कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास 12, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हैप्पीनेस क्लासेस एंड DIY एक्टिविटीज। Now in this stanza 4, the poet Robert Southey is telling us the another state of sea. Let's see what he's saying. When the rock was hit by the surging swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew perilous rock and blessed the abode of Aberbrothok. So now the sea is in another phase. Now the sea is in full mood. When the rock was hit by the surging swell. Surging swell means a very sudden and great rise in the level of sea. जब बहुत high tides, बहुत high waves की वजह से समुद्र के level में बहुत ज़्यादा rise आता है, उसको हम बोलते हैं surging swell. तो here the poet is saying कि जब वो इंचकेप रॉक छुप जाती है समुद्र के बहुत ऊंचे उफान के वजह से, तब क्या होता है, तब उस तेज वेव्स की वजह से, उस तेज स्पीड की वजह से वो बेल बजती है, और उस बेल के बजते ही द मैरिनर्स हियर्ड द वार्निंग बेल। वो मैरिनर्स द पीपल हु लिव्ड जस्ट अराउंड द सी हियर दैट वार्निंग बेल। वो उस वार्निंग बेल को सुनते हैं और उसके सुनते ही वो वहाँ से हट कर अपना रास्ता बना लेते हैं, मतलब वो उस रॉक से टकराने से बच जाते हैं। एंड देन दे न्यू पेरिलस रॉक, और इस बेल के बजने से, पेरिलस मीन्स वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक रॉक से वो बच जाते हैं। अदरवाइज़ क्या हो, वो जो उनकी शिप्स हैं वो उस रॉक से टकरा जाएं और उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो, नुकसान हो। एंड ब्लेस्ड द अबॉट ऑफ Aberbrothok। ब्लेस्ड मीन्स ब्लेस्ड, तब वो इस प्रीस्ट अबॉट को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि उनके इस बेल लगाने की वजह से ही वो इस नुकसान से बच जाते हैं। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू स्टेंजा 5। नाउ This is stanza 5th of the poem, The Inchcape Rock. Let's read it. The sun in heaven shining gay, all things were joyful on that day. The sea birds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. So here in this stanza, the poet is not explaining about sea. Now the poet is telling about a particular day, and what he is telling us, the sun in heaven shining gay. Again here the word heaven means sky. वो बता रहे हैं जो सूरज है वो जोरों से चमचमा रहा है आसमान में, gay means happy, बहुत खुश होके बहुत चमक रहा है, बहुत चमकीला लग रहा है। All things were joyful on that day, and everything was looking so happy, so joyous, so joyful. The sea birds screamed as they wheeled round. बच्चों आपने भी देखा होगा जब बहुत सारी birds खुश होती हैं, weather बहुत अच्छा होता है, तो वो गोल गोल घूमने लग जाती हैं और बहुत ज़ोरों से स्क्रीम करती हैं, चहचहाती हैं, चिल्लाती हैं। सो द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द सेम सीन, एंड द सीन इज सो ब्यूटिफुल है। द सी बर्ड्स, जो समुद्री पक्षी हैं, वो ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं एज दे व्हील्ड अराउंड, और गोल 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 घूम रहे हैं। एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड, और उनकी आवाज़ में वो खनक है, वो खुशी है जो साफ दिखाई दे रही है। सो दिस स्टेंजा इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टेंजा। हेयर द पोएट इज एक्सप्लेनिंग, इज टेलिंग अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ दैट डे। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पैराग्राफ्स, नेक्स्ट स्टेंजास इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।